सरस्वती शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों के खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के अवसर विद्या भारती लगातार दे रही है। प्रांतीय और क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन इसी कड़ी में चांपा नगर में किया गया। चार प्रांत के 400 खिलाड़ी वॉलीबॉल और शतरंज में भागीदारी किए। इसके साथ उन्हें अखिल भारतीय प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। वर्ष 1952 में सरस्वती शिशु मंदिर की श्रृंखला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू हुई थी, जिसने भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में अपना विस्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत चांपा शहर में प्रांत और क्षेत्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। विद्या भारती इसका आयोजन कर रही है। यहाँ पर चार प्रांतों के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। चांपा को शतरंज और वॉलीबॉल की मेजबानी करने का मौका मिला है। पूरे प्रदेश से आए खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। वार्ड क्रमांक 16 कोटा डबरी के पार्षद कामेश्वर धैर्य ने खेल आयोजन के लिए 1 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। और खेलकूद में शतरंज और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है। इनके सभी खिलाड़ियों बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं, और मेरे घोषणा का 1 लाख रुपया अपनी ओर से घोषणा करता हूँ। विद्यालय के प्राचार्य अश्वनी कश्यप ने बताया कि चार प्रांतों के खिलाड़ियों की भागीदारी इस आयोजन में हुई है। यहां से वे अखिल भारतीय स्तर पर खेलने के लिए जाएंगे और फिर इसके बाद उन्हें स्कूल गेम्स फेडरेशन में अपनी दमखम दिखाने का मौका मिलेगा। अभी इस प्रतियोगिता में चार प्रांतों से 400 भैया बहन भाग ले रहे हैं। यहाँ से विजेता टीम, विजेता बालक बालिका वर्ग के जो हमारे टीम है, ये अखिल भारतीय स्तर पर आगे खेलने जाएंगे, और वहाँ से विजेता जो टीम होती है वो SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में विद्या भारती को एक प्रांत के रूप में सम्मिलित करते हैं। इस स्तर तक के खिलाड़ी जाएंगे। बीते वर्षों में विद्या भारती के खिलाड़ियों की क्षमता का परिष्कार करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं और इसके नतीजे भी सामने आए हैं। उम्मीद करना होगा कि छत्तीसगढ़ में हो रहे खेल आयोजन से यहाँ की धरती का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए चांपा से राजू की रिपोर्ट।